दोस्तों आजकल के दौर में हिंदी न्यूज चैनल का बोलबाला भारत में चरम पर है। भारत में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं न्यूज चैनल, किसी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा न्यूज चैनल भारत में ही देखे जाते हैं। तो ऐसे में क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता, आखिर ये न्यूज चैनल कहाँ से रुपये कमाते हैं और कितना रुपये कमा लेते हैं? ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के टॉप 10 न्यूज चैनल के बारे में जो कमाते हैं एक साल में सबसे ज्यादा रुपये। ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल कब क्या कैसे को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद और नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। भारतीय न्यूज चैनल कितना रुपया कमाते हैं ये जानने से पहले आपको जानना होगा कि आखिर ये कमाते कैसे हैं। किसी भी न्यूज चैनल के लिए रुपए कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एडवर्टीजमेंट के द्वारा और दूसरा तरीका होता है सब्सक्रिप्शन के द्वारा। आपने जनरली देखा होगा कि किसी भी न्यूज चैनल को देखते वक्त हर 10 से 20 सेकंड के बाद एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। तो पहला तरीका है एडवर्टीजमेंट से। कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाती है, जिसके लिए वो न्यूज चैनल को 10 से 20 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के लिए लाखों रुपए तक पे कर देते हैं। और दूसरा तरीका होता है सब्सक्रिप्शन के थ्रू। आपके घर में जो भी केबल नेटवर्क है, चाहे वो टाटा स्काई हो, चाहे वो डिश टीवी या कोई भी नेटवर्क है, अगर आपने किसी पेड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उस सब्सक्रिप्शन के रुपयों से भी न्यूज चैनल बहुत ज्यादा अमाउंट में रुपए कमाते हैं। तो ये दो तरीके हैं जहां से न्यूज चैनल पैसा कमाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भारत के टॉप 10 न्यूज चैनल कौन से हैं और कितना रुपया वो एक साल में कमाते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है डीडी न्यूज। डीडी न्यूज वैसे तो सरकारी न्यूज चैनल है जो डीडी नेटवर्क के तहत काम करता है। डीडी न्यूज की अगर हम अर्निंग की बात करें एक साल की, तो करीब 80 से 100 करोड़ रुपए तक डीडी न्यूज अर्निंग करता है। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर आता है रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत जैसे कि अर्नब गोस्वामी का न्यूज चैनल है, उसकी अगर अर्निंग की बात करें तो एक साल में करीब 198.9 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट किया था। ये सारे आंकड़े 2016 से 2019 के बीच के एक साल के आंकड़े हैं। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर आता है न्यूज नेशन। न्यूज नेशन चैनल ने एक साल में जो अर्निंग की है वो करीब है 275 करोड़ रुपए। नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 पर आता है News24। News24 की एक साल की अर्निंग करीब 280 करोड़ रुपए रहती है। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर आता है News18 इंडिया, जिसकी एक साल का रेवेन्यू करीब रहा 303 करोड़ रुपए। ये रेवेन्यू 10 से 20 करोड़ प्लस या माइनस होता रहता है। ये आंकड़े 2016 से 2019 के बीच के फाइनेंशियल ईयर के द्वारा लिए गए हैं, जो अलग अलग ईयर के हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ चैनल पर आने वाले एंकर्स कितना कमाते हैं वो जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर आता है इंडिया टीवी। इंडिया टीवी एक साल में करीब 316.22 करोड़ रुपए जनरेट कर लेता है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आता है NDTV इंडिया। NDTV इंडिया ने करीब एक साल में अर्न किया था 424 करोड़ रुपए। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आता है ABP न्यूज चैनल। ABP न्यूज चैनल का एक साल की अर्निंग की अगर हम बात करें तो रहता है करीब 482.65 करोड़। नंबर 2 पर आता है जी न्यूज। जी न्यूज ने एक साल में अर्न किया था करीब 515 करोड़ रुपए। जी न्यूज के काफी दूसरे चैनल भी चलते हैं जैसे जी बिजनेस, और इन सभी चैनल्स की अर्निंग जो टोटल रही थी वो 515 करोड़ रुपए रही थी। वहीं नंबर 1 पर आता है आज तक। आज तक के भी काफी सारे चैनल चलते हैं जैसे आज तक, दिल्ली आज तक और तेज। इन सभी चैनल्स की अर्निंग जोड़कर मैं बताऊं तो करीब रहती है 691.16 करोड़, जो भारत के किसी भी न्यूज चैनल की सबसे ज्यादा एक साल की अर्निंग रहती है। तो उस लिहाज से नंबर 1 पर रहता है आज तक न्यूज चैनल। अगर आप इन न्यूज चैनल पर काम करने वाले एंकर्स की कुछ पर्सनल बातें, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।